Assalamualaikum नाज़रीन, अगेन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अरीबा मी। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तलाक की न्यूज सामने आते ही फिरोज खान ने क्या बयान दिया है और बीवी की तरफ से लगाए गए इल्जाम के बारे में फिरोज खान ने क्या कहा है। कम्प्लीट डिटेल्स जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसे कि आप सब लोग ये बात जानते हैं कि कल से सोशल मीडिया पर फिरोज खान की एक्स वाइफ अलीजे फातिमा की चांद एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इनके जिस्म पर चोट के काफी ज्यादा निशानात हैं। अलीजे फातिमा की तरफ से अदालत में यही दावा दायर किया गया है कि फिरोज खान ने शादी के इन 4 सालों के दौरान काफी मरतबा इन पर जिस्मानी तशद्दुद किया। ये बयान सामने आते ही पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के तकरीबन तमाम अदाकारों ने अलीजे फिरोज का साथ दिया और सब ने फिरोज खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया। ये सब न्यूज इतनी ज्यादा वायरल होने के बाद फाइनली फिरोज खान ने भी अपने डिवोर्स के बारे में फैंस को बताया। फिरोज खान ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें इन्होंने कहा कि इन पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जाम झूठ। फिरोज खान का यही कहना था कि शादी के इस सारे अरसे के दौरान इन्होंने अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया और वो कानून की इज्जत करते हैं और कानून को तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सारे सोशल मीडिया सार्फिन को अपने खिलाफ बोलते हुए देखकर फाइनली फिरोज खान ने भी अपने हक के लिए आवाज बुलंद की है। अभी तक इनका मामला कोर्ट में चल रहा है और इनके बारे में कोई भी फाइनल फैसला नहीं आया। जैसे ही इनके बारे में कोई फाइनल डिसीजन आता है तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।